उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप, फिलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का एक अंतिम तिथि निर्धारित कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। ग्रीन का मतलब होता है आपका अक्रिय कर्ज, होता है ना एक नोबेल गैस, अक्रिय गैस, उसे अक्रीन। ये जो है ना आपका 31 जनवरी 2023 से पहले आपको हर हाल में उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है। उपयोगिता प्रमाण पत्र का एक निर्धारित डेट दे दिया है, इससे ये होगा कि एक एक्टिव लोग होगा काम करने के लिए, कि एक डेडलाइन जारी रहेगा तो उसको हाँ कि भाई इतना तारीख के बीच में हमको अपलोड कर देना है, नहीं तो जब अपलोड किए तो ये गलत बात है। तो इसमें क्या है कि बहुत अच्छा चीज़ ये किया है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो अक्रियन तिथि या अक्रियन दिन जो है 31 जनवरी 2023 कर दिया गया है। तो 31 जनवरी 2023 से पहले आपको हर हाल में उपयोगिता प्रमाण पत्र दे देना है। सर, एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है सर, उस पर ओनली फोर आपको व्हाट्सएप करनी है, ना कि कॉल करना है। कॉल ना करें हम, इसके लिए हम जानते हैं सर आपको तकलीफ़ होती होगी, उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है कि मैं किसी को फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। तो सर आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पर आपको जिस भी टाइम मेरा जो फुर्सत होगा बस रिप्लाई में 1 से 2 मिनट लगेगा, मैं रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। क्योंकि आप मान लेते हैं कि एक आप एक ही पर्सन है ना, हम आपको कैसे आपको फ़ोन करें। उस टाइम में एक बार में व्हाट्सएप पर मैं 3-4 आदमी को रिप्लाई कर सकता हूँ और आपका अभी का भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। तो सर आप ओनली फॉर व्हाट्सएप करें, इसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ सर, आप फ़ोन ना करें। मैंने वहाँ पे जो नंबर दिया है वहाँ पे बता भी दिया है कि आप फ़ोन ना करें, ओनली फॉर व्हाट्सएप करें। इसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ सर, आप व्हाट्सएप करें, फ़ोन ना करें। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र जो अपलोड करने का जो अंतिम जो तिथि दिया गया है यह दूसरी किस्त के लिए है कि तीसरी किस्त के लिए है? क्योंकि बहुत सारे लोग है जिनका पहला किस्त मिला है तो दूसरी किस्त की प्रक्रिया के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका दूसरी किस्त भी मिल गया है तो तीसरी किस्त की प्रक्रिया के लिए कर रहे हैं, तो उनको ये कंफ्यूजिंग थोड़ा हो सकता है। तो जो ही ऐसा अपडेट मेरे पास आता है कि यह जो तिथि है किसके लिए है, तो मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने आपको पहली किस्त आपको मिल गया है, दूसरी किस्त की प्रक्रिया के लिए आप अपलोड करना चाहते हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र, तो आप जल्द से जल्द 31 तारीख से पहले आप कर लें। और जो तीसरी किस्त की प्रक्रिया के लिए आप कर रहे हैं, यानी कि दूसरी किस्त आपको मिल गया है तीसरी किस्त की प्रक्रिया के लिए करें, तो उनको भी थोड़ा जल्दी 31 तारीख से पहले आपको कर लेना है। और हो सकता है कि ये डेट आगे बढ़े तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी इतना लेकर के चलिए। मैं इस पर एक वीडियो भी अपलोड कर दिया। उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे अपलोड किया जाता है, डॉक्यूमेंट क्या लाएगा, दूसरी किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे अपलोड करेंगे, तीसरी किस्त के लिए क्या करेंगे, मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है नवीनतम गतिविधियाँ में, वहाँ पर अपडेट कर दिया गया है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो अग्रिम दिन है 31 जनवरी 2023 कर दिया गया है। तो आप जितना जल्द हो सके जितने भी आपका उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट क्या लगेगा मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आप अपलोड मैंने कर दिया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप YouTube पर सर्च करेंगे उपयोगिता प्रमाण पत्र BST ऑल टिप्स, वो वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, एक भी डॉक्यूमेंट उसने नहीं छोड़ना है, सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो नए आवेदन करने वाले हैं वो ये 31 तारीख का वेट न करके जितना जल्द हो सके आप अप्लाई कर दें, क्योंकि हो सकता है बाद में आपका साइट बिजी हो सकता है। अगर तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उपयोगिता प्रमाण पत्र वाले तीसरी किस्त के लिए क्या करेंगे, जो दूसरी किस्त में जो आपने अप्लाई किया था, जो प्रक्रिया आपने किया था, सेम टू सेम वही सेम प्रोसेस है,
तो आप जाइए अपलोड। उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे अपलोड करना है, उपयोगिता प्रमाण पत्र करने का सही तरीका क्या है, वो मैंने ये वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। या उपयोगिता प्रमाण पत्र BST ऑल टिप्स करेंगे तो ये वीडियो आपको आ जाएगा। अगर आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने में किसी भी तरह का आपका दिक्कत हो रहा है, डॉक्यूमेंट है जो भी आप व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ पे मैं बता दूंगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र अगर आपको अपलोड करने में परेशानी हो रही है तो मैं भी आपका काम कर दूंगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर दूंगा, उसका फी आपको देना पड़ेगा। जो भी आपका डाउट है आप कॉमेंट में बताइए, हम आपको जहाँ तक हमसे प्रयास होगा हम आपका मदद जरूर करेंगे। अगर आप उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। फॉर्म भरवाने के लिए, उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, 100% आपका काम हो जाएगा। और जब आप आज मान लेते हैं कि फॉर्म आप देंगे, हम रिसीविंग सब चीज़ दे देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उतना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, फोन पे गूगल पे है और व्हाट्सएप नंबर उसी नंबर से चला जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उद्यम योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स।